Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about some basic details of our constitution, like how much time was taken to complete, then after how the constitution was made, when was the first meeting held, who was the chairman of the drafting, who was the chairman of our constituent assembly in the beginning, then after who was elected as the permanent president of constituent assembly. Now we are going to proceed our next topic, that is वाई यानी कंटिन्यूट कंस्टिट्यूशन किसी भी देश के संविधान की जरूरत क्यों है. अगर इसी की बात करें हम कि किसी भी देश में संविधान की जरूरत क्यों है, तो हम देखेंगे ए कंट्री विच हैज कंस्टिट्यूशन डजंट मीन दैट इट इज डेमोक्रेसी. जहां संविधान सब लोग डेमोक्रेसी होगी, बट इट इज नेसेसरी दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव कंस्टिट्यूशन. लेकिन लोकतंत्र में संविधान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां कितनी सारी डायवर्सिटीज है, किस प्रकार के नियम, किस प्रकार सभी समुदाय को साथ लेके चला जाए. तो महत्वपूर्ण हमें क्यों संविधान की जरूरत, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जरूरत क्यों है. तो संविधान की जरूरत की बात करें तो महत्वपूर्ण दो चीजों की संविधान की जरूरत है. पहला कि विच टाइप ऑफ सोसाइटी आइडियल्स आर देयर विच रिप्रेजेंट सोसाइटी. कि पहला तो हमारा संविधान ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा समाज किस प्रकार का, व्हाट आर द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, समाज की इच्छाएं क्या है, किस प्रकार का संविधान खुद चाहते थे, किस प्रकार की व्यवस्था हो चाहते थे. तो ये सारी चीज़ कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, हमारे संविधान से. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर देखें, देखो हमारे यहाँ परिवार के अंदर अगर पांच मेंबर है तो पांचों की राय एक जैसी नहीं होती. दे आर नॉट एग्री ऑन ऑल द थिंग्स, हर चीज पर सहमत होना जरूरी नहीं है. देर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. तो देश में तो बहुत बड़ा है, इतनी सारी डायवर्सिटीज है, तो वहाँ होंगे अंदर तो बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो सहमत नहीं होते इन चीज़ों पर. लेकिन सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन विच ऑल द कम्युनिटीज और द मेंबर ऑफ द सोसाइटीज लेकिन कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं जो सबके लिए जरूरी हो, देश को चलाने के लिए जरूरी हो, देश की व्यवस्था को बनाए रखने जरूरी हो, उस पर सारे लोग सहमत हो सकते हैं. अब किस प्रकार इफेक्ट होती है, जैसे भारत की एग्जांपल है तो हमारी सोसाइटी किस प्रकार होगी, हमारी व्यवस्था किस प्रकार की होगी, तो हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे संविधान में. जैसे हमारे संविधान की शुरुआत हुई प्रियम्बल से हुई, प्रियम्बल में क्या कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग हैं. वास्तविक पावर किसके अंदर है, लोगों के अंदर नहीं है. कैसे, वी आर गोइंग टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, हम सरकार चुनेंगे. If we are not satisfied with the last government, we can change it. हम उसको बदल भी सकते हैं. दूसरा उसमें महत्वपूर्ण तो टर्म्स दे रखे हैं, इंडिया विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक होगी, चुनाव की व्यवस्था होगी, चुनी जाएगी सरकार, रिपब्लिक, द हेड ऑफ द कंट्री विल बी इलेक्टेड. उसके बाद उसमें वर्ड दे रखा सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, हर धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं, सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा. तो रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी, समाज, व्यवस्था कैसी होगी. दूसरा जो हमें संविधान के लिए बताएगा कि हमारी सरकार किस प्रकार की होगी, गवर्नमेंट जो कंस्टिट्यूट होगी किस प्रकार बनाई जाएगी. जैसे इसमें देखें तो हमारे पास साफ साफ जैसे हमने पहले बार डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की, एक छोटे से एग्जांपल से अगर हम समझाएं किस प्रकार रिफ्लेक्ट होगा, तो हम एग्जांपल लेते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल का. जो हमारे नॉर्थ में कंट्री है छोटा सा नेपाल, उसमें हमने देखा कि स्टार्टिंग से 1990 ऑनवर्ड्स इट वाज रूल्ड बाय किंग, एक राजा के द्वारा शासन चल रहा था. अप टू 2006 उन्होंने अपना संविधान बनाया. इट वाज मेंशनड इन दैट दैट द सुप्रीम अथॉरिटी विल बी इन द हैंड्स ऑफ द किंग. तो सुप्रीम अथॉरिटी होगी राजा के हाथ में होगी, एक कंस्टिट्यूशनल मोनार्की वाली. संविधान तो था लेकिन संविधान की व्यवस्था क्या थी, सुप्रीम अथॉरिटी रहेगा वो राजा रहेगा, उसके द्वारा शासन चलाया जाएगा. बट देन आफ्टर स्ट्रगल वाज देयर, ए मूवमेंट वाज देयर, अल्टीमेटली 2015 दे मेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने नया संविधान बना लिया अपना. उसके अनुसार इसमें रिफ्लेक्ट क्या हुआ, वो आदर्श क्या थे समाज के, they wanted democracy, they wanted to raise their voice. तो 2015 में नया संविधान बनाया गया, उसमें आया कि सरकार चुनी जाएगी और चुने हुए जो लोग उनके हाथों में पावर होगी. तो देखो कितना डिफरेंस आ गया. 2006 का संविधान बता रहा था कि सरकार कैसी होगी, राजा के द्वारा चलाई जाएगी. 2015 ने बोला राजा नहीं, वास्तविक पावर चुने हुए लोगों के बीच में होगी. तो ये संविधान हमारा रिफ्लेक्ट करता है. अब उसमें एक और चीज संविधान की बेसिक रूप क्या, चलो हमने मान लिया सरकार ऐसी है, लेकिन कई बार हमारे एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव है, दे कैन यूज अनलिमिटेड पावर. कई बार होता है वो अपने आप से पावर का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहें, संविधान लिमिटेशंस लगाता है उसको. संविधान लोगों की पावर में लिमिटेशंस लगाता है. किस प्रकार लगाता है, आपने 7th क्लास में छोटा सा एग्जांपल पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक बुक थी जूठन, उसमें दिया था ओम प्रकाश वाल्मीकि व्हेन ही वेंट टू स्कूल, जब वो स्कूल गए ही वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर निकाल दिया गया उनको. ही वाज अपार्ट फ्रॉम अदर बॉयज और स्टूडेंट्स, औरों से अलग रखा गया. तो उस केस में क्या किया गया कि उसके बाद हमारे संविधान में व्यवस्था की गई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल, सबको बराबर के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे, इक्वलिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड, राइट टू इक्वलिटी वाज गिवन, फंडामेंटल
की दे दी, सभी नो डिस्कशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रीजन और एनी डायवर्सिटी, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। संविधान ने रोक लगा दी कि किस प्रकार अगर कोई किसी प्रकार इस प्रकार डोमिनेट करने का प्रयास उसको रोका जाए। ये हमारे संविधान की या किसी भी देश के संविधान की जरूरत इसलिए है कि वो महत्वपूर्ण सोसाइटी के आइडियल्स बताए, दूसरा सरकारें किस प्रकार की उस रूपरेखा को तैयार करें। बाकी क्या कुछ लिमिटेशंस हैं, संविधान किस प्रकार देश की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।